स्मार्टफोन से लाइफ को कितना आसान बना दिया है ना, आप अपनी हर डेली एक्टिविटी को स्मार्टफोन से कर सकते हैं। बिल पेमेंट, बैंकिंग, चैटिंग, नेटवर्किंग, कुकिंग, हाँ आपने सही सुना है, कुकिंग भी। हाय एवरीवन, दिस इज चीनू वाजे, आपकी साथी, आपकी स्टाइलिश है, और मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे ही स्मार्ट आइडियाज टू मेक योर रूटीनाइज कुकिंग मच मोर इजी, मच मोर स्मार्ट एंड मच मोर स्टाइलिश। हमारी फर्स्ट रेसिपी है कीमा करंजी, और ये रेसिपी हमें भेजी है हमारे डाबर होममेड कॉन्टेस्ट के विनर श्रेया राणा ने चंडीगढ़ से। तो करंजी के डो के लिए मुझे चाहिए मैदा, रवा और थोड़ा सा घी। ये है मैदा, रवा, घी को डालेंगे, और कुछ भी फैट जो आप डालेंगे आपके डो में वो हमेशा यूजफुल है, क्योंकि वो आपके डो को बाइंड करेगा, अगर वो घी हो, तेल हो, बटर हो, जो भी हो। इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। नमक और इसमें ऐड करेंगे पानी जब तक ये अच्छा सा आटा बन जाए। तो चलिए गूंथते हैं करंजी का आटा। तो इसको हम रखेंगे साइड में और पहले बनाएंगे हमारा सोया कीमा। तो मुझे चाहिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा तेल, इसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च। ये एक्चुअली जैसे आप मटन कीमा बनाएंगे वैसे ही रेसिपी है, बट वी मेकिंग इट हेल्दी। इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक बारीक कटा हुआ, इसमें बहुत सारा प्रोटीन है। सोया कीमा को थोड़ा सा सॉटे करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, और फिर इसके अंदर डालेंगे हमारे स्पाइसेस। तो चलिए इसमें डालेंगे हमारे सारे स्पाइसेस और फ्लेवरिंग्स, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, एंड ऑफ कोर्स नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटो बॉईल करने की, पील करने की जरूरत नहीं है, ऑल वेरी फास्ट एंड फ्रेंडली। इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, जस्ट फॉर दैट क्रीमी टेक्सचर। ओके, सोया काफी जल्दी पकता है, उसको थोड़ा हेल्प करने के लिए लेट्स ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर। तो ये जो मेरा आटा है इसके छोटे छोटे बॉल्स करेंगे, और ऑफ कोर्स पुराने जमाने में मेरी नानी दादी इसको हाथ से बनाते थे, लेकिन अब हमारे पास है ये
विजिटिंग कार्ड होल्डर जैसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो करंजी मेकर है। ओके, थोड़ा सा मैदा। इसको गोल शेप दे देते हैं। तो चलिए इस मोल्ड को लाइन करते हैं थोड़े से तेल के साथ, या इधर घी पड़ा है तो घी लगा देते हैं थोड़ा। ये है हमारा डो, परफेक्ट साइज, बॉर्डर के बाहर आना चाहिए। ये कीमा का फिलिंग, और इसको बंद करेंगे ऐसे, स्क्वीज करेंगे ऐसे, और देखते हैं इफ इट इज रेडी। तो चलिए डालते हैं सोया करंजी। और ये भी मेरे क्रिस्टल नॉनस्टिक फ्राइंग पैन में फ्राई कर। तो ये देखिए रेडी लग रहा है, गोल्डन ब्राउन। जैसे हम कैस्टर शुगर स्प्रिंकल करते हैं, मैं स्प्रिंकल करने वाली हूं थोड़ा सा चिली पाउडर। सो सोया कीमा करंजी रेडी। कीमा करंजी बनाने के लिए एक बोल में एक कप मैदा, चार बड़े चम्मच रवा, चार से पाँच बड़े चम्मच घी, स्वाद भर नमक और जरूरत भर पानी डालकर इसे गूंद लें। एक पैन में तीन बड़े चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन, एक बड़ा चम्मच बारीक कटी अदरक डालकर इसे सौटे कर लें। अब 400 ग्राम सोया कीमा, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वाद भर नमक, चार बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरी, तीन बड़े चम्मच दही और जरूरत भर पानी डालकर इसे पका लें। अब आटे को बेल लें और करंजी मोल्ड में तेल लगा के उस पर रख दें और जरूरत भर कीमा डालकर इसे करंजी बना लें। जरूरत भर तेल में डीप फ्राई करें। प्लेटिंग के लिए एक प्लेट में चिली सॉस और कीमा करंजी रखें, लाल मिर्च पाउडर से स्प्रिंकल करें और सर्व करें।